यात्रा पर्ची बनवा ली है और हम मेन गेट की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पर हमारा सामान वगैरह जो लगेज हम साथ में लाए हैं और जो यात्रा पर्ची है उसको चेक किया जाएगा। इसके बाद हमें यात्रा आरंभ करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप कितनी भीड़ लग रही है। यहाँ से हमारा पूरा सामान चेक होगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए। अब हम आ चुके हैं बाणगंगा। बाणगंगा ये वो स्थान है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने जब हनुमान जी को प्यास लगी थी उस टाइम पर बाण से यहाँ पर गंगा को प्रकट किया था, इसलिए इसको बाणगंगा बोला जाता है। यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अपने केस वगैरह धोए थे। ये वो स्थान है, इसको आप देख सकते हो। रूम से लगभग हम 3-4 बजे निकले थे तो चलते चलते थक गए, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इन्जॉय किया जाए ताकि जिससे थोड़ी थकान दूर हो जाए। चलते चलते हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि जो ये ढोल बज रहे हैं इन पर थोड़ा सुनत लिया जाए। तो हम थोड़े नाचने वगैरह लग गए यहाँ पर ताकि इन्जॉय करते करते चलें। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत लंबा चलना है, बहुत ऊपर चढ़ाई है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा और इन्जॉय किया जाए। साथ ही जिनको बेचारों को इनका भी टाइम पास हो ही जाएगा, तो हम अपना यहाँ पर थोड़ा इन्जॉय करते हैं। आप देखते रहिए वीडियो को। पुराने रास्ते से इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर बाणगंगा के दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो हम भी नए रास्ते से आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत खतरा रास्ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह या ज़्यादातर कुछ भी नहीं चलते। यहाँ पर ज़्यादातर पैदल या घोड़े वगैरह दूर से जाते हैं, वही लोग यहाँ से चलते हैं। ये रास्ता आगे चलकर आतुपाली पर मिलेगा, जहाँ से नए रास्ते से मिल जाएगा वहाँ पर आपको देखना केवल कार वगैरह सब कुछ वहीं से चालू होती हैं, वहीं से चलती हैं। वो नया रास्ता है, आप वीडियो में बने रहें। अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने कटरा का ये नज़ारा देखा है, रात को कितना प्यारा लग रहा है। कटरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से अर्धकुंवारी से। यहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, इसके बाद सुबह के टाइम पे निकलेंगे ताकि जल्दी दर्शन हो जाएंगे माता रानी के।